हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.5। अपनी प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट करेंगे, 3.5, जिसमें क्या होगा मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति मैंने आप लोगों को बता दिया था, तीन प्रकार की होंगी, या तो वास्तविक, मतलब वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न भिन्न, या फिर काल्पनिक। ठीक है, तो अब 2.5 का प्रश्न नंबर पहले का पहला, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला प्रश्न है, 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। यही है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, विविक्तिकर चेक करते हैं, यानी कि डी का मान चेक करते हैं, है ना। तो देखो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ देखो a बराबर तो है 2, b बराबर है -3 और c बराबर है 5। सही है ना, क्योंकि a क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, और c क्या होता है, अचर राशि। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसमें मान रख देंगे सबके। देखो b -3 का स्क्वायर करेंगे जब कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 * 9। फिर है -4 * a, a है 2 और ये है 5, c का मान कितना है 5। तो d बराबर 9 - 5 * 10 और 40, तो d का मान आ गया -31। कितना आ गया, -31। और मैंने पहले ही बताया, जब भी d का मान किससे आ जाए, 0 से छोटा, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक, ठीक है, या मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिख सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है, कुछ भी लिख सकते हो। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा, दूसरा है 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3 = 0। यही है, 2x² - 4x + 3 = 0। तो इसमें भी ऐसे सेम चेक करेंगे, देखो a का मान है 2, b का मान है -4 और c का मान है 3। फॉर्मूला d विविक्तिकरण, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे b² - 4ac से। ठीक है ना, तो देखो d तो है ही, d तो हम निकाल रहे हैं, b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर होता है 16, -4 * 2 = 8 और 8 * 3 = 24। भाई 4 का गुना किया 2 से, 4 * 2 = 8, 8 का गुना 3 से, क्योंकि c 4 ac, तो 8 * 3 = 24, तो ये भी माइनस का आ गया, d बराबर माइनस का आ गया 8, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, मूल क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इनको मैं मिटा देता हूं अब दोनों को, है ना। अब तीसरा जो है अपने पास वो है 2x² + x - 1,
दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक बराबर जीरो। फिर से चेक कर लेते हैं, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखो डी, देखो ए का मान चेक कर, पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं, बी बराबर एक और सी बराबर माइनस एक। देखो जब भी ये ए का मान तो हमेशा प्लस होता है ना, लेकिन जैसे ही ये सी का मान है ना, अगर बी, अगर सी का मान माइनस आ जाता है तो इसका मतलब इसके मूल निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि जब माइनस माइनस करते हैं ना तो प्लस हो जाता है ना। तो माइनस चार ए सी, अगर सी का मान माइनस है ना, तो जब भी अगर सी का मान माइनस में आए तो समझ लेना कि क्या होगा, इसमें मूल होंगे ही होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वे जुड़ जाएंगे, तो कभी भी जो मान आएगा वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, तो d बराबर b का मान है एक, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस चार गुना दो आठ, आठ का गुना करेंगे किससे, माइनस एक से, ठीक है। तो देखो ये माइनस आठ हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही चीज बता रहा था कि जब भी c का मान माइनस में होगा ना तो d हमेशा मूल होंगे, यानी d का मान जीरो से छोटा नहीं होगा। तो देखो d बराबर ये कितना हो गया, एक प्लस में आठ बराबर नौ, और नौ क्या है, जीरो से बड़ा है, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं एवं भिन्न भिन्न हैं। हमें केवल मूलों की प्रकृति बतानी है, मूल निकालने नहीं है इसमें ना, केवल क्या बताना है, मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहां पर मूलों की प्रकृति आएगी वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। चौथा है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार बराबर जीरो, तो ए का मान है एक, बी का मान माइनस चार और सी का मान चार, तो बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में चार ए, ठीक है ना। तो देखो डी बराबर बी स्क्वायर, यानी माइनस चार का स्क्वायर हो जाएगा सोलह, माइनस में चार गुना एक, चार गुना चार सोलह, तो d बराबर क्या आ गया, जीरो। तो हमें पता है जब भी d बराबर क्या आता है, जीरो आता है, तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक एवं समान हैं। कैसे हैं, समान हैं, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कब होंगे मूल वास्तविक एवं समान, जब d बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। d अगर जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, और अगर d का मान जीरो से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं यानी कि काल्पनिक होंगे। आगे समझ में, तो ये हो गया अपने पहले के क्वेश्चन नंबर कितने, चार। तो अब हम करते हैं, इसमें कुल छह क्वेश्चन हैं, पांच और छठे दोनों को भी कर लेते हैं। देखो देखो पांचवा प्रश्न जो है वो है दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस पांच, पांचवा है दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस पांच बराबर जीरो। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस पांच बराबर जीरो। तो देखो सब प्लस में, तो देखो देखने से पता चल जाएगा, पचम पच्चीस, पांचों के बीस और दूनी चालीस, तो इसका मतलब मूल इसमें काल्पनिक होंगे। देखो a बराबर है दो, b बराबर है पाँच और c बराबर भी है पाँच, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में
चार ए सी, ठीक है। तो देखो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, तो बी का स्क्वायर करेंगे 25, 25, चार गुना दो आठ, आठ पंजे 40, तो डी बराबर कितना आएगा माइनस के 15, ठीक है। तो 15 आ गया, तो इसका मतलब माइनस के 15 है, तो ये क्या है, जीरो से छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है। कैसे हैं वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है तो मूल काल्पनिक है। छठा, छठा जो है वो है 3x² - 2x + 1/3, 3x² - 2x + 1/3 = 0, यही है ना, प्लस 1/3 = 0। तो देखो ये 1/3 है, मैंने पहले ही बताया जब भी कोई ऐसे भिन्न में आए तो हमें उस भिन्न को हटाना होता है, मतलब ये अगर अपरिमेय अपरिमेय के रूप में आती है ना, यानी पी बटे क्यू के रूप में आती है। तो देखो पी बटे क्यू के रूप में, अब देखो हम क्या करेंगे, ऊपर सब में जो अपना क्या होता है हर होता है उसमें ऊपर सबसे गुना कर देते हैं ना, ऐसे हम कई बार कर चुके हैं, तो 3 का गुना हम ऊपर सब में कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 3 * 9x², ये हो जाएगा -6x, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 1 = 0। अब इसको देखते हैं, यहाँ a बराबर तो है 9, b बराबर -6 और c बराबर 1, d बराबर b² - 4ac। तो देखो b का मान है 6, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 × 9, 9 * 36, 36 का गुना 1 से करेंगे तो 36, तो d बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया अपने पास, d बराबर 0, तो d बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो मूल की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक है एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन पहला कंप्लीट। अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपने पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्न द्विघातीय समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। देखो अब हमें समीकरण दिए गए हैं जिसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, इसका मतलब डी बराबर b² - 4ac जो है ना, यानी कि डी का मान है वो क्या है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0, क्यों, मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी का मान 0 होता है। तो हमें जो ये समीकरण दिया गया है इसमें अगर हम b² - 4ac लगाएंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी मूल और बराबर, मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे है ना, और वास्तविक होंगे। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर b² - 4ac को 0 रखकर क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास दूसरे का पहला, के एक्स, हमें के का मान निकालना है ना, x - 2 + 6 = 0। देखो इस दूसरे क्वेश्चन में ना हमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये एक भी द्विघातीय समीकरण के रूप में नहीं है, पहले हमें इन्हें क्या करना है, द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना है, उसके बाद हम इनको हल करेंगे। तो देखो द्विघातीय समीकरण में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसका गुना कर देते हैं इन दोनों से, ये गुना में ही तो है, दोनों जो गुना में है तो गुना कर देते हैं। तो देखो
के एक्स का गुना एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा दो के एक्स प्लस छः बराबर जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए का मान जो है अपने पास वो तो है के, के ही तो है। बी का मान है अपने पास माइनस के दो के, और सी बराबर है अपने पास छः, और हमें दिया क्या गया है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी है, वो बराबर है किसके, जीरो के। ये हमें पहले ही दिया गया है, किस रूप में, कि हमसे बोल दिया गया कि जो इसके मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान हैं। तो भाई मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, मूल वास्तविक और समान जब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या आता है, जीरो आता है, यानी d बराबर जीरो। तो ये ही डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मैंने जीरो रख दिया, क्योंकि मूल कैसे हैं, समान हैं। तो अब इसमें मान रख दो बी स्क्वायर, ये तो जीरो है पर इसके मान तो रखते हैं, देखो बी स्क्वायर तो माइनस दो के का स्क्वायर हो जाएगा चार के स्क्वायर। ठीक है, माइनस चार गुना ए गुना छः, तो चार छः चौके चौबीस के, कितना आ गया, चौबीस के बराबर जीरो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से, दोनों में से कॉमन आ रहा है चार के, तो मैं चार के क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ तो बच गया के माइनस छः के बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो ये जीरो या ये जीरो, ठीक है, तो मैं दोनों को जीरो लिख लेता हूं, या तो क्या है चार के बराबर जीरो है या फिर के माइनस छः के बराबर जीरो। नहीं, के कॉमन आ जाएगा तो यहां केवल छः ही बचेगा, क्या बचेगा, केवल छः बराबर जीरो। तो देखो यहां से के का मान क्या आया, के का मान आया जीरो बटे चार बराबर जीरो, या फिर k का मान क्या आएगा, यहां से k का मान आएगा, ये इधर आ जाएगा छः। ठीक है, तो k के अपने पास दो मान आ गए, या तो k होगा जीरो या k होगा छः। ठीक है, तो देखो अगर यहां k हम जीरो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ, k जैसे ही जीरो रखा तो ये भी जीरो है ना, तो और या फिर क्या होगा, k छः होगा, k छः होगा, या तो k का मान जीरो होगा या k का मान छः होगा, इन दो में से एक मान है, ऐसे ही दो मान निकलेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले द्विघातीय समीकरण बनाना है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जीरो के बराबर में रख देना है, किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न। ठीक है, अब है अपने पास दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इधर करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस दो के प्लस वन दो के प्लस एक एक्स और प्लस में के स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, तो वही देखो ए अब इसमें द्विघात समीकरण के रूप में ये अब बी का मान है, देखो ए का मान तो है एक, बी का मान है माइनस दो के प्लस वन, या फिर दो के प्लस दो भी लिख सकते हो इसको ना, जैसे मैं दो का अंदर गुना कर देता हूँ ना, तो चलो मैं दो का अंदर गुना करके लिख लेता हूँ, दो के प्लस में दो, ये है बी, और सी का मान है अपने पास के स्क्वायर, सी का मान कितना है के स्क्वायर, के स्क्वायर ये ना, हाँ के स्क्वायर ही है, किसका मान, सी का मान। तो देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर क्या है, जीरो, तो बी का स्क्वायर कर देते हैं, तो देखो ये माइनस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, माइनस की, तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस दो के प्लस दो का स्क्वायर माइनस चार गुना ए तो एक है, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, चार गुना ए गुना सी। तो देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, क्योंकि ये पहला नंबर माइनस का है ना,
ठीक है। तो अब ये एक नंबर तो है नहीं जो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, अब ये क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए माइनस बी वाला। यूं मत सोचना कि यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का भी लग जाएगा, बट ये वैल्यू आपको माइनस की रखनी पड़ेगी। तो वही वाली बात है, या तो इसमें ए प्लस बी लगाएंगे तो इसको माइनस रख दो, या फिर इसको ए माइनस बी के फॉर्मूले से ही कर लो, कैसे ही कर लो, जैसे करना चाहो, ठीक है। तो देखो ए का स्क्वायर 2k है, 2k एक माइनस का है तो प्लस में क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आएगा देखो, या तो क्या कर लो प्लस 2ab कर लो। देखो जैसे ही प्लस 2ab करोगे तो a का मान माइनस है तो वो पहले ही वैसे ही माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8k, ठीक है, और माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर है माइनस 2ab, या फिर प्लस 2ab करोगे तो a का मान माइनस में, ये 0 हो जाएगा, तो 2 दुनी 4 दुनी 2 दुनी 8 और k, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, यहाँ अपने पास है 4 माइनस 8k बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो k का मान लेना है तो मैं इसको भेज देता हूँ माइनस में यहाँ, और फिर इससे इसमें क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा ऐसे, या फिर देखो क्या कर लो 4 4 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कैसे ही कर लेना, जैसे करना चाहो। देखो हम ऐसे ही करते हैं सीधा ही, मैं इस 4 को उधर भेज देता हूँ 8k बराबर माइनस का 4, तो यहाँ क्या है माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर आ गया 4/8 यानी कि 1/2। तो यहाँ k का मान एक ही निकल के आया है, और वो क्या निकल के आया है अपने पास, वो निकल के आया है 1/2। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले ए बी सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर अपने पास इसमें सूत्र लगा, ये ऐसे कैसे ही चल रहा है, इससे ये कट गया, यहाँ अपने पास ये आ गया, तो क्या किया हमने, इस 4 को उधर भेजा तो माप प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इस माइनस से वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर k का मान निकालना है तो 8 का भाग 4 में दे देंगे और 1/2 अपने पास k का मान आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे के अपने पास क्वेश्चन हो गए कितने, 2। अब है दूसरे का तीसरा, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के प्लस 3 बराबर 0, यही है ना। तो देखो ऐसे ही करेंगे, सॉरी, सबसे पहले a का मान कितना है 2, b का मान k, c का मान 3, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा क्योंकि मूल समान है, ठीक है। तो देखो b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 8, 8 दिया 24 बराबर 0। तो देखो सरल है, के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 24। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर 24 है तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है। तो अंडर रूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 किस परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी एक नंबर जैसे 16 है तो इसको ऐसे ही लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 9 4, देखो इसको ऐसे लिखते हैं 8 9 4 ऐसे ही रहने दो, चाहो तो कितना प्लस माइनस के 24। या देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6 6 × 24 लिख सकते हैं ना,
24 को कैसे लिख सकते हैं, देखो प्लस माइनस 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और गुना करते हैं 6 से, तो 6 चौके 24, इस 4 को भाग लेंगे तो आ जाएगा 2, क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और भीतर कितना बचेगा अंडर रूट 6, तो k का मान क्या आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 या फिर अंडर रूट 24 भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर चौथा, तो देखो जो चौथा है उसे हम, देखो जो चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा पांचवा और छठा, अब इसमें तीन क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन तीनों को आप कोशिश करना है इनमें से कौन कौन से कर सकते हो, जोन से भी जिस भी क्वेश्चन को आप कर लो उस क्वेश्चन को आप मेरे को क्या करके बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमने ये क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि के का मान निकालना, तो के का मान ऐसे तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने लेट देखना स्टार्ट किया है ना, तो वो इस चैप्टर को शुरू की पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो, है ना। आज के लिए केवल इतना ही।